चल रहा था तो जोश में, जो उसके मन में था उसने बोला, और स्वाभाविक है मैं तो घबरा गई थी, मुझे बताया गया कि वो गिर गया, पर बहादुर माँ का बहादुर बेटा है, ईश्वर उसके साथ है, समाज देश के लोग और उसके लोग सब उसके साथ हैं, उसे कुछ ही नहीं होगा। और जो संकल्प लेकर मेरे बेटे ने ये उपवास किया, सत्याग्रह किया, उसका परिणाम कुछ दिनों के बाद देश के सामने होगा। और केजरीवाल, क्या क्या अब मैं इसमें क्या बता दूँ आपको, जबकि ये तो होना ही था ना, जो आज इतने दिनों से परेशान है तो ये तो होना ही था। केजरीवाल तो बहुत सी चीजों के जिम्मेदार हैं, वो तो दिल्ली को जिस तरीके से उन्होंने हालात पैदा किए, ईमानदारी का जिस तरीके से उन्होंने चोला पहन के देश के सामने आए, जनता के सामने आए, तो बहुत वो तो है ही 100%। तो वो बहुत कुछ एक शब्द भी नहीं केजरीवाल के कहने के लिए, मैंने राजनीति में इतना परिपक्व आदमी नहीं देखा, मैंने उनका राजनीतिक स्तर कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं कहा जा सकता। ईश्वर मेरे बेटे को शक्ति दे, ऊर्जा से और उसको भरपूर करे, ताकि वो अपने संघर्ष की आगे की लड़ाई को वो सफलतापूर्वक तेज गति से और इससे तेज गति से चला सके। ये मेरे बेटे का निर्णय होगा, मेरा नहीं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।